नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आप सभी को ग्रैंड न्यूज परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। होली के रंग में बच्चों के साथ रंगे पार्षद दया सिंह। बच्चों को पिचकारी गुलाल मुखौटा मिलने से दिखे काफी उत्साहित। महिला दिवस के अवसर पर और अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ग्रैंड न्यूज की एंकर शाहिन अशरफी का एसआर हॉस्पिटल के चेयरमैन ने किया उनका सम्मान। ग्रैंड न्यूज में देखिए भोले बाबा के अनोखे भक्त। सह परिवार सहित पहुंचे शिव जी की पूजा अर्चना करने। युवती की मानसिक स्थिति का फायदा उठाकर युवक ने किया अनाचार। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। लक्ष्मी नारायण वार्ड 44 के पार्षद दया सिंह होली के पर्व को यादगार बनाते हुए आज गरीब बच्चों के साथ होली के रंग का आयोजन किया। इस दौरान सैकड़ों बच्चों को पिचकारी रंग गुलाल मुखौटे का वितरण किया। बच्चे अपने हाथों में पिचकारी और मुखौटा पाते ही खुशी से झूम उठे। होली का पर्व ऊंच नीच अमीर गरीब के फासले को मिटा देता है। कुछ ऐसा ही नजारा आज देखने को मिला। लक्ष्मी नारायण वार्ड के बच्चों की खुशी देखते ही बन रही थी। उनके वार्ड के हरदिल अजीज पार्षद दया सिंह उनके बीच थे और उनके साथ होली के रंग में रंगे जा रहे थे। बच्चों को उन्होंने पिचकारी रंग गुलाल मुखौटा और अपने स्नेह का वितरण किया। बच्चों ने इस दौरान ग्रैंड न्यूज से कहा कि इस बार की होली उनके लिए खास हो गई। आज उनके माता पिता को यह समस्या नहीं रही कि हम लोगों के लिए होली का सामान घर की जरूरतों को पूर्ण करने के पहले करना पड़ेगा। सुबह से ही नौनिहाल बच्चे कतारबद्ध अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। दया सिंह के गणेश पंडाल में पहुंचते ही बोलबम का नारा व जय घोष से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। दया सिंह ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि आज बच्चों के बीच होली पर्व की मिठास से उन्हें आत्मिक सुख की अनुभूति हो रही है। उन्होंने कहा कि होली में सर्वत्र हास परिहास का माहौल निर्मित रहे। हंसी खुशी इस पर्व को महापर्व की तरह मनाएं। रखा गया था और उस कार्यक्रम के तहत में हम लोगों ने होली के रंग बच्चों के संग इस कार्यक्रम के तहत में सब लोगों को पिचकारी है, रंग है, गुलाल है, सब वितरण किया गया। सैकड़ों बच्चों को, 500 बच्चों को वितरण किया गया और खुशी का पर्व मनाया गया। बस होली का पर्व है, भावना का पर्व है, आपस में एक रहें और इस पर्व के वो महापर्व के रूप में मनाएं और नशे से लोग दूर रहें। और आमतौर पे सुनने में आता है कि भाई लोग क्या बोलते हैं, तरह तरह की लड़ाई झगड़े, तो भाईचारा का परिचय देके आत्मिकता रखें, बढ़िया खाएं, बढ़िया रंग गुलाल लगाएं और आत्मिकता से खुश रहें और पर्व को महापर्व मनाएं। दादा, ये पिचकारी किसने दी आपको? कैसा आदत है यार, कैसा इनका त्योहार, त्योहारों में क्या करते हैं? पूरा 500 पैकेट तो दो 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 तीन तीन करके थोड़ा लाइन बना के घर बना के कुछ करते हैं, दम मिलता है। ये सिर्फ त्योहारों में, सिर्फ होली में देते हैं कि कुछ और भी आयोजन करवाते हैं? अभी पतंग भी दिए, आपका शुभ आपका शुभ नाम, आपका शुभ नाम। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कुम्हारी में बने स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और शैक्षणिक गुणवत्ता का निरीक्षण किया। वह कुम्हारी के सभी शासकीय स्कूल में पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से बातचीत कर उनकी पढ़ाई की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उनके साथ उपस्थित रहे।
दुर्ग कलेक्टर ने कुम्हारी व जंजगिरी में बने आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण किया। इस दौरान वे सबसे पहले स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल जंजगिरी पहुंचे, जहां उन्होंने स्मार्ट क्लास और लाइब्रेरी देखी। शिक्षकों ने बताया कि किस तरह से प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाई की जाती है। वहां उन्होंने बच्चों से पूछा कि यहां कैसा लग रहा है। बच्चों ने बताया कि टीचर बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं और यहां बहुत अच्छा लग रहा है। स्मार्ट क्लास में पढ़ाई होती है। कलेक्टर जिस कक्षा में पहुंचे वहां प्रॉफिट एंड लॉस की पढ़ाई हो रही थी। कलेक्टर ने ब्लैक बोर्ड में लिखे ACP शब्द का मतलब बच्चों से पूछा। बच्चों ने बताया कि इसका मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। कलेक्टर ने यहां लाइब्रेरी में कंपटीशन का एवं बच्चों के लिए उपयोगी किताबों का बहुत अच्छा कलेक्शन रहा। शिक्षकों ने बताया कि रोटेशन में यहां विद्यार्थी आते हैं। स्कूल में हर जगह पर उपयोगी सामग्री का अंकन किया गया है। शिक्षकों ने बताया कि यहां पर बच्चों को स्टोरी टेलिंग के साथ पाठ का मर्म बताया जाता है। इसके अलावा कलात्मक क्षेत्रों में और स्पोर्ट्स में भी बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। दुर्ग जिले में होली के त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। आज जिले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 27 फिक्स पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 300 से ज्यादा की संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। दुर्ग जिले के शहरी और देहात इलाके में दुर्ग पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ सुबह से तैनात रहे और संदिग्ध वाहन चालकों पर अपनी निगरानी बनाए रखे हुए थे। होली त्योहार में हुड़दंगियों पर नकेल कसने के लिए दुर्ग पुलिस ने जिले के विभिन्न चौक चौराहों पर 27 फिक्स पॉइंट पर पुलिस जवान तैनात किए गए थे, जहां आने जाने वाले दुपहिया और चौपहिया वाहनों पर ये जवान अपनी निगाहें जमाए रखे हुए थे। संदिग्ध वाहनों की आशंका पर पुलिस के जवान वाहन चालकों के दस्तावेजों की जांच में जुटे रहे। जिले के सभी छोटे बड़े चौक चौराहों पर अमूमन यही स्थिति दिन भर देखने को मिली, जहां पुलिस के जवान वाहनों के कागजों सहित वाहन में रखे सामग्रियों की जांच करते रहे। एडिशनल ASP संजय ध्रुव ने इस कार्रवाई के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि होली त्योहार को लेकर दुर्ग पुलिस द्वारा बंदोबस्त पूरी तरह से की जा रही है, ताकि आम जन शांतिपूर्ण तरह से होली का त्योहार मना सके। शहर में हम लोगों ने आज आने वाले त्योहार होली त्योहार को ध्यान में रखते हुए 27 जगहों पर नाकेबंदी और चेकिंग पॉइंट लगाया हुआ है। उद्देश्य है कि किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों या फिर अवैध सामग्री का मूवमेंट ना हो और अपराधी तत्वों पर लगाम लगा जाए। अभी तक कोई ऐसा पकड़ा है क्या? अभी हमारी चेकिंग शुरू हुई है। निश्चित तौर पर ऐसी चेकिंग से कुछ न कुछ को पकड़ में आना लाजमी। कितने जगह है सर चेकिंग पॉइंट? शहर और देहात मिलाकर हम लोगों ने लगभग 27 जगहों पर अपनी चेकिंग पॉइंट नाकेबंदी लगा रखा है। कितने बल की तैनाती हुई? अभी 300 से 350 की संख्या बल को तैनात किए हैं, लेकिन होली की ड्यूटी के लिए थानों का बल प्रत्यक्ष लगेगा, जिसका ड्यूटी गार्ड हम बना रहे हैं। अभी चेकिंग पॉइंट के लिए 350 की संख्या बल लगाए। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। हमारी ग्रैंड न्यूज की एंकर व जिला न्यायालय में अधिवक्ता शाहिन अशरफी का SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन ने महिला दिवस के उपलक्ष में शॉल, त्रिफल और स्मृति चिन्ह भेंटकर उनका सम्मान किया। सम्मान समारोह में SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन ने कहा कि शाहिन अशरफी को पिछले एक दशक से वे जानते हैं। उनके अंदर बेजोड़ क्षमता है। जितने सुंदर ढंग से एंकरिंग करती हैं, वहीं उनके शब्दों व समाचार वाचन के दौरान वाक्यों के भाव को व्यक्त करती हैं, वह बार बार सुनने के लिए बाध्य करता है। संजय तिवारी ने कहा कि जिला न्यायालय में कनिष्ठ अधिवक्ता होते हुए भी अपने तार्किक बहस को भी सुनकर आनंद की अनुभूति होती है। उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता, ऑपरेशन थिएटर इंचार्ज डॉक्टर KC श्रीवास्तव सहित अन्य स्टाफ मौजूद थे। बाइट संजय तिवारी, चेयरमैन SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहन शाहिन अशरफी का सम्मान SR हॉस्पिटल परिवार की ओर से किया गया। बहन शाहिन अशरफी द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई जाती है। उनके द्वारा विधि के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में आम जनमानस को न्याय पहुंचाने का कार्य किया जाता है। बहुत ही संवेदनशील है। आज हमारे संस्थान के अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता सर, हमारे फार्मेसी के प्रभारी श्री चंद्रशेखर राठौड़ जी द्वारा, समस्त टीम के द्वारा बहन शाहिन अशरफी का सम्मान किया गया। मैं संस्था की ओर से
उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। युवा चैम्बर दुर्ग इकाई के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत पुलगांव स्थित वृद्ध आश्रम में रह रहे वृद्धों से आशीर्वाद प्राप्त करके की। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज दुर्ग युवा इकाई के गठन के पश्चात इकाई के अध्यक्ष रवि केवतलानी, कार्यकारी अध्यक्ष श्रेयांश नाहटा, महामंत्री आशीष खंडेलवाल एवं अन्य पदाधिकारियों तथा सदस्यों ने अपने प्रथम कार्यक्रम की शुरुआत दुर्ग पुलगांव नाका स्थित वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के आशीर्वाद लेकर किया। सभी बुजुर्गों को नाश्ता एवं होली की मिठाई गुलाल देकर सभी ने आशीर्वाद लिया। चेंबर के चेयरमैन पवन बड़जात्या ने सभी युवाओं को अधिक से अधिक व्यापारियों को चेंबर का सदस्य बनाने हेतु आह्वान किया एवं उसकी रूपरेखा समझाई। इसी दौरान चेंबर के दुर्ग इकाई अध्यक्ष प्रहलाद रुंगटा, चेयरमैन पवन बड़जात्या, दुर्ग कैट के अध्यक्ष मोहम्मद अली हिरानी, महेश गणेशानी, संदीप बख्शी, रवि सागर, अशोक खंडेलवाल आदि बड़ी संख्या में युवा उपस्थित थे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बिना दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कॉम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कॉम में से टूट जाते थे, पर सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वासु गुरु जी हेयर ऑयल दिया, जिसके सिर्फ दो यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही, और सिर्फ चार वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हुई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुबह से ही शहर भर में होली का माहौल निर्मित होते देखा गया। सभी कार्यालयों में आज वीकेंड के रूप में देखते हुए भी अपने सहकर्मियों के साथ होली के रंग में रंग गए। नगाड़ों की थाप व ढोल मंजीरों के साथ सुमधुर भाग गीतों के बीच होली के पर्व की शुरुआत करते लोग देखे जा रहे हैं। रंग गुलाल से सराबोर लोग सड़कों में देखे जाने लगे हैं। आज नगर पालिक निगम में होली की मस्ती में डूबे हुए युवक युवतियां व महिलाएं आपस में एक दूसरे को गुलाल लगाकर बधाइयां देते हुए दिखाई दिए। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। रिसाली क्षेत्र में सभी ओर होली महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां पुरुष फाग की गीतों पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएं भी होली का आनंद लेते हुए थिरक रही हैं। होलिका दहन के पूर्व ही रिसाली में लोग रंगों से सराबोर होते नजर आने लगे हैं। होली उत्सव मनाने के लिए साहू समाज की महिलाओं द्वारा होली मिलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज की महिलाओं द्वारा एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई और अपनी नृत्य की क्षमता की प्रस्तुति दी। पुरुषों ने भी ढोलक और झींका बजाकर फाग गीत गाए व जमकर होली खेली। ग्रैंड न्यूज के लिए पूजा इंदौरिया की रिपोर्ट। आइए हम आपको ऐसे भोले के भक्त से मिलाते हैं जो महमरा एनिकेट में स्थित पीपल पेड़ के समीप स्थापित शिवलिंग की पूजा करने सह परिवार तीन वानर पहुंचे, जिसे देखने के लिए भक्तों की भी भीड़ उमड़ पड़ी। रिसाली नगर पालिक निगम के सभी भाजपा पार्षदों ने होली के अवसर पर महापौर सभापति को गुलाल लगाकर होली खेली और बधाई दी। नमस्कार, रिसाली नगर निगम की सभी वार्ड वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, और होली शांतिपूर्ण ढंग से मनाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। छोटा चीज कहीं भी
शादी का झांसा देकर एक युवक ने अपने परिचय का फायदा उठाया और वह एक मंद बुद्धि युवती के साथ अनाचार किया। युवती द्वारा छावनी पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया गया। छावनी टीआई विशाल सोन ने ग्रैंड न्यूज को बताया कि एक 21 वर्षीय युवती अपनी भतीजी को अपनी भाभी के घर छोड़ने गई हुई थी। वह दिमागी रूप से कमजोर है। जब वह अपनी भतीजी को छोड़कर बुधवार दोपहर वापस लौट रही थी तो उसे रास्ते में मिलन चौक कैम्प 2 निवासी वासुदेव सिंह भास्कर 30 वर्ष मिला। उसने युवती को रोका और बातें करने लगा। युवती से कहा कि वह उसे एक माह से जानता है। इसके बाद उसे बातों में उलझाकर अपने किराए के मकान में ले गया। वहां उसे प्यार करने और शादी करने का झांसा दिया। जब युवती उसकी बातों में आ गई तो उसने उससे रेप किया। युवती जब वापस घर गई तो परिजनों को देखकर रोने लगी। परिजनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद युवती ने पूरे घटनाक्रम को परिजनों को बताया। इसके बाद परिजन उसे लेकर छावनी थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 366 376 के तहत जुर्म दर्ज किया है। छावनी टीआई विशाल सोन ने तुरंत एक टीम बनाकर युवक को पकड़ने जगह जगह दबिश देने भेजा। टीम ने कुछ ही घंटों में आरोपी को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद युवती का मेडिकल परीक्षण कराया गया। पुलिस ने बताया युवती 70% मंद बुद्धि है। मेडिकल परीक्षण में उसके साथ दुष्कर्म करने की बात सामने आई है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज रात 14/3/2022 को पीड़िता अपने भतीजे को छोड़ने के लिए आम्रपाली गई थी। वापसी उधर से आ रही थी तो करीबन 12 बजे ठाकुर किराने स्टोर के पास में एक लड़का वासु नाम का लड़का उसको मिला, जो पीड़िता को बोला कि मैं तेरे को एक मिनट से जानता हूँ, मैं तुझसे शादी करूँगा, चल मेरे साथ बोलकर उसको अपने किराए के मकान में मिलन चौक है ना सदई का घर है, सदई का क्वार्टर है, सारे किराया वहीं रहता जो वहाँ ले जाता था उसके साथ गलत काम किया। जिस पर पीड़िता के बताए अनुसार थाना में रात पंजीकरण में लिया गया है, तो धारा 366/376(2) एक्ट फादर भी लगाया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके रिमांड में भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। निगुरसीपार के आम जनों ने परंपरा अनुसार गोबर के बने हुए कंडे की माला और नारियल आदि से होलिका का दहन किया। हर साल होली में देश भर में लाखों टन लकड़ियां जला दी जाती है जिससे लाखों पेड़ काट दिए जाते हैं। यदि लोग गोबर के कंडे से होली का दहन करें तो पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और होली भी बेहतर ढंग से मनाई जा सकती है। यह सर्वविदित है। गाय के गोबर को अत्यंत पवित्र माना जाता है। जीते जी तो लोग इसका उपयोग करते ही है, मरणोपरांत भी गाय के गोबर से लीप कर शव को रखा जाता है। हर मांगलिक व पवित्र कार्यों में गोबर का उपयोग किया जाता है। ऐसे में गोबर के कंडे से होली का दहन करने से पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले आप सभी को एक बार फिर से ग्रैंड न्यूज परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। होली के रंग आप सभी के जीवन में प्रसन्नता, समृद्धि एवं सकारात्मक ऊर्जा का रंग भरें।
आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। विदित लक्ष्मीपति राजू वार्ड 66 एवं अध्यक्ष खाद्य लोक सेवा एवं स्वच्छता विभाग नगर पालिक निगम भिलाई। आओ मिलकर लोभ क्रोध नकारात्मक की होली जलाएं, अपनों के संग होली के रंगों का त्योहार आओ खुशी से मनाएं। होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनीत नोमिन साहू पार्षद वार्ड 55 एवं साधना सिंह पार्षद वार्ड 56। नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र विद्या बर्न एंड प्लास्टिक सर्जन की हैसियत से एसआर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मेरे और एसआर परिवार की तरफ से प्रदेशवासियों की होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि इस प्राकृतिक त्यौहार को प्राकृतिक रंगों से खेलें एवं चेहरे को विकृतियों से बचाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर एसपी केसरवानी, रोग विशेषज्ञ एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दिल्ली में कार्यरत हूँ। होली की इस पावन अवसर पर मैं देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं नगर दुर्ग जिले के नगरवासियों से बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। साथ ही मैं यह अपील कर चिकित्सक होने के नाते मैं यह अपील करना चाहूँगा कि वो होली का त्यौहार बहुत ही सद्भावना से मनाएं। और जहाँ चिकित्सक होने के नाते मैं यह कहना चाहूँगा कि रंग गुलाल में जो केमिकल रहते हैं उससे बच के रहें और उसका उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक करें और चलती वाहन में रंग एवं गुलाल ना डालें। रंग और गुलाल जो केमिकल युक्त पदार्थ होते हैं स्किन एवं आँखों के लिए बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है या आँखों के लिए एलर्जिक हो सकता है, अतः इससे सावधानी पूर्वक करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता एसआर हॉस्पिटल मैं मेडिकल अधीक्षक एवं कार्डियक सर्जन के हैसियत से कार्यरत हूँ। प्रदेश के प्रत्येक निवासी को होली की शुभकामनाएं हमारे अस्पताल की तरफ से। ध्यान रखें, होली का रंग बिरंगा त्यौहार पूरा आनंद लें लेकिन अपने आप को बचाते हुए। कोई भी ऐसा रंग का दुरुपयोग ना करें जिसमें आपको सांस की तकलीफ हो या फेफड़े में कोई बीमारी हो जाए या किसी के चेहरे पर ऐसा रंग ना डालें जिससे चेहरा विकृत हो जाए। और ध्यान रखें कि ये एक रंग बिरंगे रंग का त्यौहार है जिसमें हम एक दूसरे से प्यार से प्यार मोहब्बत से मिलते हैं। उसमें कृपया इसको नशे की हालत में ना एंजॉय करें और अपने दोस्तों को पूरी तरह से एक दूसरे से मिलकर आनंद उठाएँ। एसआर हॉस्पिटल काफ़ी आगे बढ़ चुका है, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि होली के त्यौहार पर कोई दुर्घटना हो, पर कभी भी ऐसा कुछ अगर हो तो हमारा अस्पताल पूरी तरह से तैयार है इसको झेलने के लिए और आपकी सेवा पर। ध्यान रखें, ये एक रंग का त्यौहार है, इसे पूर्ण रूप से आप आनंद उठाएं। और फिर से एक बार बोलता हूँ, कोई ऐसी चीज़ का उपयोग न करें जिससे सामने वाले को क्षति पहुँचे। होली के रंग बच्चों के संग आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत लक्ष्मी नारायण पार्षद वार्ड नंबर 44 दया सिंह। होलिका दहन के इस पावन पर्व पर सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत श्री गुरुचरण सिंह होरा महासचिव छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ चेयरमैन ग्रैंड ग्रुप छत्तीसगढ़ एवं विनीत श्री तरनजीत सिंह होरा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ होटल एसोसिएशन सचिव छत्तीसगढ़ बिलियर्ड एसोसिएशन MD ग्रैंड ग्रुप छत्तीसगढ़। दोस्तों, होली मनाने का एक और कारण होता है कि हम कलर थेरेपी करते हैं। जैसे अभी तो सिंथेटिक कलर आ गए हैं लेकिन पहले जब गुलाब था, अबीर था और हल्दी चंदन और ये हम जो राखड़ भी लेते थे, जो होली दहन करते हैं हम उसकी राखड़ भी लेते थे, उसे भी मस्तक में लगाते थे और नीम लेते थे। तो ऐसे करके हम एक दूसरे की थेरेपी करते थे उसको सुकून पहुंचाने के लिए। जैसे सुकून पहुंचाने के कलर होता है हरा कलर और गुलाबी कलर होता है, जैसे किसी का तालमेल बिठाना है, किसी से मेल जोल बिठाना है तो उसके लिए गुलाबी कलर होता था।
लाल कलर सुख का कलर है, सुख हम मतलब सुख किसी को सुखी देखना चाहते हैं तो उसे लाल कलर लगाते हैं। और मजे की बात एक ये है कि जब हम बाजार में कलर लेने जाते हैं तो हम किसी को जो चीज देना चाहते हैं वही कलर ऑटोमेटिकली हम उठा के जाते हैं। किसी को अगर ग्रीन कलर पसंद आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो किसी की आंखों को सुकून देना चाहता है। किसी को अगर गुलाबी कलर वो लेके आ रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि वो रिलेशन को मेंटेन करना चाहता है, तालमेल बिठाना चाहता है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ हम होली खेलें, आपको होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नगर का सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान KPS इंग्लिश मीडियम स्कूल नेहरू नगर भिलाई, होली की आप सभी को ढेरों बधाई। यह पर्व आपके जीवन में खुशियों का रंग भर दे, हैप्पी होली। CBSE शिक्षण से अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास कराएं। नर्सरी से 12वीं तक सभी विषयों के विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन कार्य हमारे यहां कराया जाता है। प्राचार्य KPS स्कूल नेहरू नगर भिलाई। होली का पर्व बहुत उल्लास और उत्सव मनाते हैं। कोरोना काल में कुछ साल से जो होली का त्यौहार नहीं मना पाए उसको देखते हुए ये पर्व जो है बहुत मायने से लोगों के लिए उत्साह है। लेकिन होली खेले और सेव रहे, कोरोना नहीं होता। इस अवसर पर मैं समस्त क्षेत्रवासियों को सबको मैं कामनाएं देता हूं। भिलाई शहर के सभी निवासी, नगर निगम के हमारे आयुक्त महोदय, MIC मेंबर, नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी, सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। होली सबके लिए खुशियों के साथ सब होली मनाएं। और एक अपील भी करूंगा कि पानी का जितना अपव्यय व्यय बचा सकते हैं उतना बचाएं। पानी की बचत भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में एक चीज़ और बोलूँगा कि होली इस बार हम लोग जो हमारी बहनों ने जो गौठान में हमारी बहनें हैं, जो SHG ग्रुप की हमारी बहनें हैं, स्वयं सहायता समूह की जितनी भी बहनें हैं, उन लोगों ने बहुत नेचुरल और बहुत अच्छे रूप से एक कलर गुलाल का तैयार किए हैं। कुछ पालक से तैयार है जैसा भी बहन बता रही थी, कुछ हल्दी से तैयार है, पूरी तरह से ऑर्गेनिक गुलाल इन्होंने तैयार किया है। इस बार की होली मैं अपील करूँगा कि इनको भी खुशियों के साथ हम साथ में जोड़ें और हम अपने परिवार को भी ऑर्गेनिक गुलाल के साथ होली मनाएं। एक बार फिर से सबको होली की शुभकामनाएं। होली पर्व की पूरे प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। होली का ये त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियां लाए। होली का ये पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का संदेश देता है। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, हर्बल कलर से ही होली खेलें। और एक बार पुनः भिलाई केंडू पर्वत फाउंडेशन परिवार की तरफ से भी आपको मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। समस्त नगरवासियों को, नवगठित रिसाली नगर निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारियों को, पार्षद साथियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का पर्व आपसी भाईचारे एवं सौहार्द का पर्व है, जिसमें हिंदुस्तान की गंगा जमुनी सभ्यता संस्कृति दिखती है। अतः सभी से निवेदन है कि होली का ये त्यौहार शांति एवं सौहार्द पूर्ण ढंग से भाईचारे से इस त्यौहार को सभी मनाएं। वासियों को होली की गाढ़ा गाढ़ा बधाई शुभकामनाएं। ये होली के रंग आप सभी के जीवन में रंग बिखेरे। और हम कोरोना काल के बाद पहली बार हम होली मना रहे हैं, अच्छे से मनाएं, शांतिपूर्ण मनाएं और पानी का दुरुपयोग ना करें। सब आप पुनः सभी को होली की गाढ़ा गाढ़ा बधाई शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप जम्मू प्रदेशवासी मन होली तिहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई। नमस्कार, मैं अनूप डे, वार्ड 30 MIC मेंबर, शिवसाली। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जनता से मैं यही अपील करूंगा कि एक तो 2 साल का कोरोना समाप्त होने के बाद, अभी भी कोरोना समाप्त हुआ नहीं है,
आप शालीनता से अच्छे से और बच्चों को भी और बड़ों को सबको सुरक्षित रहते हुए आप त्यौहार को मनाएं। और ये विशेष ध्यान दीजिए, कोरोना अभी पूरा पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुआ है, अच्छे से नियम से पालन करें और अच्छे से। और लड़कों को ये मैं विशेष रूप से बोलूँगा कि बाइक को तीन सवारी ना चले और पटाखे फोड़ के गाड़ी ना चलाएं, इससे लोगों को काफ़ी तकलीफ होती है, तकलीफ और दुविधा का सामना करना पड़ता है। तो एक बार और मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अच्छे से होली के त्यौहार को मनाइए। धन्यवाद। अनुष्ठा रेसिडेंसी जुनवानी रोड में लक्ष्मी नारायण मंदिर में पुष्प की पंखुड़ियों की वर्षा कर पूजा अर्चना करते हुए होली के पर्व का आगाज राघवेंद्र दास वैष्णव ने सपरिवार किया। इस दौरान कॉलोनी वासी भी उपस्थित थे। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को होली की बहुत बहुत बधाई। आप सभी नागरिक गणों से अनुरोध है, युवा भाइयों से अनुरोध है, इस होली महापर्व को शांति ढंग से सुंदर से प्यार के साथ गले मिल करके त्यौहार मनाएं, खुशहाली बांटें। बहुत बहुत बधाई।